हेलो दोस्तों, मैं दिल से आप लोगों का टाइम एंड वर्क क्लास चल रही है। आज तीसरी क्लास है जो हम लोगों ने कुछ बेसिक चीज़ें ने हम लोगों ने सीखा था। जैसे कि हम लोग पिछली क्लास दो क्लासों में ए प्लस ए दिया हो बी दिया हो तो ए प्लस बी का पूछता था, उसका टाइम हम लोग निकाले हैं। और फिर ए प्लस बी दिया हो और ए दिया हो या बी दिया हो तो उसमें से आपका या तो ए का पूछता था या फिर बी का पूछता था। और इसके आगे हम लोगों ने कंबाइंड ए ए बी और सी का भी देखा था, और उसके आगे कंबाइंड ए प्लस बी के साथ भी, बी और सी के साथ, सी और ए के साथ अगर ये करते हैं काम तो ए बी सी कितने दिन में करेगा, इस टाइप क्वेश्चन देखे थे। ए अकेले कितने दिन में करेगा ये भी देखे थे, बी अकेले कितने दिन में करेगा ये भी देखे थे, सी अकेले कितने दिन में करेगा ये भी देखे थे। और उसके आगे वाले हम लोगों ने जैसे कि कुछ काम छोड़ने वाला था कि ए छोड़ देता है इतने दिन बाद, बी छोड़ देता है इतने दिन बाद, सी छोड़ देता है, तो इसी सीरीज को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। जो लोग जो स्टूडेंट्स पिछली दो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देखें, तो आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी आगे वाले क्लास में। तो जैसे ये क्वेश्चन है बिल्कुल उसी के जैसे है, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज किया। जैसे तीन व्यक्ति राम विकास सतीश किसी कार्य को 10, 12, 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं यदि तीनों ने एक साथ कार्य शुरू किया। दो दिन बाद राम छोड़ देता है कार्य, उसके अगले दो दिन बाद सतीश छोड़ देता है, तो काम कितने दिन में पूरा होगा, पूरा कार्य। तो देखिए, मैंने आप लोगों को पहले ही सिखाया था कि आपको ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है कि पहले देखना है। देखिए, यहाँ हम लोग ए बी सी कर रहे थे, यहाँ पर कौन है, राम है। राम कितने दिन में कर रहा, 10 दिन में। फिर कौन है, विकास है, वो कितने दिन में कर रहा, 12 दिन में। सतीश है, वो कितने दिन में कर रहा, 15 दिन में कर रहा। तो हमारा पहला काम क्या था, एलसीएम लेना। तो एलसीएम हमने लिया, एलसीएम कितना आया, 60। तो यानी कि राम, ये हमारा क्या आ जाता है, टोटल वर्क आ जाता है। तो राम 10 दिन में कर रहा है तो एक दिन का इसका काम क्या हो जाएगा, 6 यूनिट। और ये विकास पूरा काम कितने दिन में कर रहा, 12 दिन में। तो इसका एक दिन का काम जो 5 यूनिट है और इसका एक दिन का 4 यूनिट। तो यही इसकी क्या होगी, वर्क इफिशियंसी है, कार्य क्षमता है। अब क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िए क्या बोला है, तीनों ने एक साथ काम शुरू किया है, यानी कि राम, विकास और सतीश। यानी कि राम अपनी इफिशियंसी से, विकास अपनी इफिशियंसी से और सतीश अपनी इफिशियंसी से। तो यानी कि ये लोग अगर एक दिन अगर इनको लगाया जाए तो काम कितना कर देंगे, 15 काम कर देंगे। अब ये बोल रहा है कि दो दिन बाद राम छोड़ देता है, यानी कि दो दिन तक ये सब क्या किए, साथ में काम किए, भाई कितना काम कर दिए, 30 यूनिट कर दिए। अब क्या बोल रहा है, राम छोड़ दिया, तो राम छोड़ दिया तो सतीश कौन कौन कर रहा है, विकास और सतीश। तो यानी कि विकास का कितनी इफिशियंसी, 5 और सतीश की 4, यानी कि 9, 5 और 4 क्या हो जाएगा, 9। यानी कि 9 इफिशियंसी से कितना काम करेगा, अगले दो दिन बाद सतीश छोड़ देता है, यानी कि दो दिन तक तो साथ में करेंगे ही करेंगे, कितना काम कर देंगे, 18। यानी कि इनका काम जो हो गया वो कितना फिनिश कर दिए, 48 काम, यानी कि 48 काम फिनिश हो गया। अब आपका 60 में से घटाएंगे 48 तो आपका बचेगा कितना, 12 यूनिट काम बचा है। 12 यूनिट को अब कौन करेगा, सतीश भी छोड़ दिया है, राम भी छोड़ दिया, तो विकास करेगा। यानी कि 12 इफिशियंसी से विकास करेगा, यानी कि विकास की इफिशियंसी कितनी है, 5। तो इस काम को कितने ख़त्म करेगा, 2/5 दिन। तब पूछा है कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो देखिए दो दिन पहले काम हुआ था तीनों ने मिलकर, फिर दो दिन दो लोग किए थे और लास्ट के दिन 2/5 कौन किया था, विकास किया था। यानी कि 6/5, यानी कि कौन सा, डी ऑप्शन, समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं इसी टाइप का क्वेश्चन। आपको क्या करना है, वीडियो को रोकना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसके बाद देखना है सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं, देखिए डाटा वही है, बस थोड़ा सा इसमें मैंने चेंज किया है, क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही है, बस मैंने वहाँ पर दो था यहाँ पर तीन है। तो तीन व्यक्ति राम विकास सतीश किसी कार्य को 10 दिन में, 12 दिन में, 15 दिन में पूरा करते हैं।
ये तीनों ने एक साथ कार्य शुरू करते हैं तो तीन बार सती छोड़ देता है, तो फिर वही काम करेंगे आपको 10 दिन राम, विकास 12 और 15 किसका, सतीश का, यानी कि वही एलसीएम लेंगे तो आपको एलसीएम लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी, वही है 60 है, यानी कि इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 6, इसकी 5 और इसकी 4, तीन 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 दिन बाद छोड़ा है, यानी कि तीनों 15 के एफिशिएंसी से 3 दिन तक काम किए हैं, कितना 45 यूनिट काम इन लोगों ने कर दिया। उसके बाद सतीश छोड़ा है, यानी कि सतीश का जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, 4 है। देखिए यहाँ पर सतीश है, इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 4 है। अब जो बचा है एक दिन के बाद राम भी छोड़ा है, यानी कि 6 प्लस 5 ये किसका है, राम का और इसका विकास का, यानी कि 11 काम ये भी करेगा, यानी कि अब आपका काम कितना हो गया, 56। अब आप कितना आप लोगों ने काम हो गया, 56 काम हो गया। अब बचा कितना है, 60 में से 56 को घटा लेंगे, कितना बचेगा, 4 यूनिट काम बचा है। अब राम भी छोड़ देता है तो इस काम को कौन करेगा, विकास करेगा, यानी कि विकास अपनी एफिशिएंसीज करेगा कितने, 5 से, तो यानी कि पहले इन्होंने 3 दिन तक किया, फिर 1 दिन किया, फिर 4/5 दिन में किया, तो यानी कि अगर कुल आंसर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, 4 सही 4/5, यानी कि कौन सा है, सी ऑप्शन आपका सही है, समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अब क्या है कि हम लोगों ने कल इस टाइप के क्वेश्चन देखे थे, लेकिन इससे वो दूसरा था, ये दूसरा है। देखिए ए किसी कार्य को, ध्यान से पढ़िए इसको, ए किसी कार्य को 28 दिन में, बी उसी कार्य को 35 दिन में कर सकता है, दोनों ने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों पश्चात काम ए ने काम छोड़ देता है, शेष कार्य को बी 17 दिनों में ख़त्म करता है, तो इतने ये कितने दिनों पश्चात काम छोड़ा था। देखिए शुरू में हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें शुरू के में काम करवा रहा था, बाद में छोड़ रहा था, मतलब शुरू में, अब इसमें क्या है कि पहले ही छोड़ दे रहा है, बाद में बी कर रहा था, वही पूछा है कि कितने दिन बाद छोड़ा, तो पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि इतने दिन बाद छोड़ देता था, लेकिन इसमें क्या है कि दिया नहीं है, अब उसी को निकालना है, तो चलिए देखते हैं ए कितने दिन में, 28 दिन में, अब बी कितना है, 35, तो यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये क्या आपका एलसीएम, एलसीएम कितना आ जाएगा, 140, तो 140 टोटल वर्क हो गया, और ये आपका 28 है तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 5 होगी, और इसकी एफिशिएंसी 4 होगी। अब देखिए यहाँ पर बी, अब देखिए अगर शुरू का दिया रहता तो हम काम कराते, लेकिन अब शुरू में तो दिया नहीं है, अब एक चीज़ दिया इसमें कि शेष कार्य को 17 दिन में किया है, कौन, बी ने, यानी कि 17 × 4, यानी कि बी का जो 4 दिन का काम है वो कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा, 68 काम हो जाएगा, तो यानी कि जो बचा काम है वो दोनों मिल के किए होंगे, तभी तो इतने दिन बाद छोड़ा है। अब देखिए 140 में से 68 घटा लिए तो कितना है, 72 आ रहा है, अब 72 काम को इन्होंने क्या किया होगा, दोनों मिलकर किए होंगे, इसलिए अब आपको 72 काम को दोनों को ए और बी को मिल के कराना होगा, तो यानी कि ए का कितना, 5 और प्लस 4, तो यानी कि 72/9, तो यानी कि 8 आया। अब देखिए यही 8 शुरू के 8 दिन बाद कार्य छोड़ा होगा, कौन, ए, क्योंकि बी ने शेष कार्य को किया था 68, इसलिए आपका जो आंसर है वो कौन सा है, सी, क्योंकि यही पूछा है आपका। चलिए इसी टाइप का अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ये किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, ध्यान से पढ़िए, ये किसी कार्य को 20 दिन में, बी उसी कार्य को 30 दिन में ख़त्म कर सकते हैं, वे कुछ दिनों तक एक साथ काम करते हैं, उसके बाद बी काम छोड़ देता है, यदि ए ने शेष कार्य को 10 दिनों में ख़त्म करता है तो बी ने कितने दिनों तक काम किया था। बस क्वेश्चन सेम है, अब आपको वहाँ पर ये था, यहाँ पर बी का पूछ लिया है, बस आपको पहला काम क्या करना है, एलसीएम लेना है 20, बी का 30, यानी कि अब आपको एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा,
यहाँ से कितना, तीन, यहाँ से दो। अब देखिए बी ने काम छोड़ देता है, सी एस कार्य को ए ने दस, अगर मैं ए की बात करूँ तो ए का जो 10 दिन का काम होगा तीन इफिशियंसी से कितना हो जाएगा, 30। यानी कि ये सी एस कार्य रहा होगा इसी को ये 10 दिन में ख़त्म करता है, यानी कि 30 काम कर दिया, तो 60 में से 30 घटाएंगे तो बचेगा क्या, 30। यानी कि ये जो 30 काम है इसको कौन किया होगा, शुरू में दोनों साथ किए होंगे क्योंकि एक साथ काम शुरू करते हैं, तो यानी कि तीन और दो, तीन किसका, ए का और दो बी का, यानी कि 30 बटे 2 सॉरी 5, यानी कि कितना आ जाएगा, 6 दिन। तब पूछा है कि कितने दिन बाद कार्य छोड़ा है, तो आप यहाँ से बता सकते हो कितने दिन बाद छोड़ा है, 6 दिन, क्योंकि 6 दिन तक साथ किए उसके बाद काम छोड़ दिया, यही शुरू का यही आपका आंसर है, इसी को क्या, वो इनडायरेक्टली पूछ रहा है आपसे। चलिए समझ में आया होगा, आगे देखते हैं। देखिए अब ये क्वेश्चन है बिल्कुल उसी के जैसा है, बस थोड़ा सा इसमें क्या किया मैंने, डाटा चेंज किया है। अब आप देखो ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 45 तथा 40 दिनों में कर सकते हैं, दोनों ने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन ए ने कुछ दिनों पश्चात काम छोड़ देता है, शेष कार्य बी 23 दिनों में ख़त्म करता है, तो ए ने कितने दिनों पश्चात काम छोड़ा था, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। अब आपको पहला काम क्या करना है, 45, बी 40, इसका क्या करना है, एलसीएम लेना है, एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम बताइए मुझे कितना आएगा, 360, यानी कि यहाँ से 360, इसका क्या आ जाएगा, 8 इफिशियंसी, इसकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 9, यानी कि ये 8 के इफिशियंसी से काम करेगा 45 दिन, तब जाके 360, ये टोटल वर्क है, और बी 40 दिन में करेगा 9 की इफिशियंसी से, तब 360 होगा। अब आपको क्या करना है कि शुरू में तो पता नहीं कितने दिन तक किए, वही आपको निकालना है, तो अब क्या है, बी एक चीज़ इसमें कर रहा है, बी का 23 दिन का काम निकाल लेंगे तो आपका कुछ चीज़ें पर हम आंसर तक पहुंच सकते हैं, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको समझाया है, यानी कि बी का निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 3 27, 9 2 18, 18 और 2 कितना हो जाएगा, 18 2 20, तो यानी कि अब आपका कितना हो गया यहाँ पर, 207, तो यानी कि 207 काम इन्होंने बी ने ख़त्म कर दिया। अब 360 में से 207 घटाओगे तो आपको बचेगा कितना, 153, तो यानी कि 153 काम को वे दोनों क्या किए हैं, एक साथ शुरू किए हैं, एक साथ शुरू करके किए हैं। अब यानी कि अब देख चेक कर लेते हैं भाई कितने दिन तक किए होंगे, तो ये 8 इफिशियंसी करेगा, बी 9 इफिशियंसी से, यानी कि 153 बटे 17, यानी यहाँ से सॉल्व करेंगे आप तो कितना आ जाएगा, 17 9 153, तो आपका 9 दिन आ गया, यानी कि ये जो छोड़ा होगा कितने दिनों पश्चात, 9 दिनों पश्चात ए ने कार्य छोड़ा था, जो अब कि आपका आंसर आ गया कौन सा, बी। चलिए अब एक ही टाइप को मैंने 3 क्वेश्चन करवा दिया, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से, आप लोग इसको क्वेश्चन को वीडियो रोक रोक के आप लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं, अब देखिए अब ये इसको, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज है किया गया है, बस इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में करते हैं, ठीक है भाई, ए और बी को 30 दिन में करते हैं। अब क्या बोल रहा है, वे 20 दिन तक कार्य किए, 20 दिन तक ए और बी ने काम समाप्त किया, उसके बाद बी काम छोड़ देता है, ठीक है, शेष कार्य को अगले, शेष काम को ए अकेले 20 दिनों में पूरा करता है। अब देखिए अब इसके पहले क्या होता था, आपके पास ए रहता था, बी रहता था, तो आप क्या करते थे, एलसीएम लेते थे, लेकिन यहाँ पर कुछ एलसीएम जैसा आपको डाटा मिल नहीं रहा, लेकिन आपको एक चीज़ें दी गई है कि देखिए ए और बी का कितने दिन का काम है, 30 दिन का काम है, अब 20 दिन तक इन लोगों ने क्या कर लिया, काम कर लिया, अब ए और बी का 10 दिन का काम बचा है, अब इसी काम को कौन कर रहा, ए अकेले कर रहा भाई, कितने दिन में, 20 दिन में कर रहा, तो आप लोग एक चीज़ यहाँ पर
वही से जो मेथड मैंने आप लोगों को सिखाया है वहाँ तक पहुँच सकते हो। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एलसीएम 20 हो जाएगा। देखिए ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें इनकी कार्य क्षमता निकल सके। ये दो आ गया, यहाँ पर एक आ गया। तो जैसे हम पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर टोटल, आप कन्फ्यूज मत होना, टोटल वर्क मानते थे, लेकिन यहाँ पर ये टोटल वर्क नहीं होगा। टोटल वर्क क्या होता है, आपका टाइम इंटू वर्क इफिशियंसी। क्योंकि आपका टाइम क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन वर्क इफिशियंसी। अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ध्यान से देखिए यही चीज आ गया। अब देखिए ये अब कह रहा है कि ये अकेले कितने दिन में करेगा, तो यानी कि ए की इफिशियंसी मालूम हो गई। अब अगर टोटल वर्क आपको मालूम हो जाता तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, यानी कि टोटल वर्क यानी कि ए और बी का कितना काम, 30 दिन का काम है। अगर ये 30 दिन अपनी इफिशियंसी से कितने, दो इफिशियंसी करेंगे, कितना टोटल वर्क आ जाएगा आपका, कितना आ गया, 60 हो गया। अब इसी 60 काम को ये अपनी इफिशियंसी से एक यानी कि करेगा, तो आपका कितना आएगा, 60 दिन आ जाएगा, जो कि यही आपका आंसर है, कौन सा, ए। समझ में आया होगा। इसी टाइप का अगला क्वेश्चन में देखिए ए और बी मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। वे 12 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, उसके बाद बी छोड़ देता है, शेष काम को ए अकेले 6 दिनों में पूरा करता है। तो ए अकेले कितने दिनों में काम पूरा करेगा, पूरा काम को। अब देखिए भाई सेम वैसा ही क्वेश्चन है, ए और बी का कितने दिन का, 16 दिन का काम है। अब वो लोग 12 दिन तक काम किए भाई, तो यानी कि ए और बी का 4 दिन का काम रह गया है। अब इसी को ए और बी के 4 दिन के काम को ए जो है वो अकेले कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पर वही चीज़ लगाते हैं, तो आपका कितना है एलसीएम, 12 एलसीएम आ गया। और ए और बी की इफिशियंसी कितनी हो गई, 3 हो गई, और ए की इफिशियंसी कितनी हो गई, 2। अब मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आप लोगों को समझा रहा हूँ कि टोटल वर्क यहाँ पर ये नहीं होगा, क्योंकि टोटल वर्क यहाँ से होगा, क्योंकि ये 16 दिन का काम, यहाँ से हमें क्या निकली, एक चीज़ निकली है इफिशियंसी। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, टोटल टाइम इंटू वर्क इफिशियंसी। टोटल टाइम कितना है, 16 गुणे ये वर्क इफिशियंसी, ए और बी की कितनी है, 3, तो कितना हो जाएगा, 48। अब इसी 48 काम को ए अकेले कितने दिन में करेगा भाई, पूछा तो यही है कि ए अकेले कितने दिन में काम को पूरा करेगा। तो यानी कि अब आपको 48 को ए की से भाग देना है, ए की कार्य क्षमता, ए की कार्य क्षमता हम लोगों ने यहाँ से निकाला है, कितना आया है, 2। तो यानी कि 48/2 यानी कि 24 दिन में पूरा काम, अगर इसको अकेले करना होगा तो 24 दिन में ये सॉल्व करेगा। ठीक, समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन हम लोगों ने ये इस टाइप का किया है, चलिए पढ़ते हैं एक बार, फिर ध्यान से देखेंगे। ए और बी किसी कार्य को, और बी और सी किसी कार्य को क्रम से 12 दिन में 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए इसे 5 दिन तक, बी इसे 7 दिन तथा सी इसे 13 दिन में पूरा कर काम करके पूरा कर दिया, तो सी अकेले। अब चलिए भाई देखते हैं कैसे करेंगे, ये बी और कितने दिन में, 12 दिन में, बी और सी कितने दिन में, 16 दिन में। अब मैंने आप लोगों को क्या सिखाया था, पहला काम सिखाया था कि आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम भाई निकाले आप लोगों ने, कितना आया, 48। तो यानी कि ए और बी की कार्य क्षमता की बात करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, यहाँ से 3 आ गया। अब ये क्या बोल रहा है कि जैसे ये कहता कि ए और बी मिलकर इतने दिन में किए, तो यहाँ पर देखिए अब आपका ए का कितना दिन है, ए ने कितने दिन तक किया है, 5 दिन किया है, बी ने कितने दिन तक किया, 7 दिन में किया है, और सी ने कितने दिन तक किया है, 13 दिन में। काम को 48 काम को इन्होंने क्या कर दिया है, ख़त्म कर दिया। अब देखिए अब आपको ये इक्वेशन है, ए और बी की कंबाइंड इफिशियंसी कितनी है, 4 है, बी और सी की कितनी है, 3 है। अब देखिए जैसे आपको ए का मालूम होता है इफिशियंसी इंडिविजुअल, तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते,
लेकिन आपको यहाँ से ये कि ये दो इक्वेशन है और तीन वेरिएबल है, तो आप किसी की भी पर्टिकुलर वैल्यू तो निकाल नहीं सकते, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे कैसे, सोचो भाई। चलो देखते हैं, यानी कि देखिए यहाँ पर हम एक चीज़ कर सकते हैं, देखिए ए और बी का इफिशेंसी तो एक तो दिया नहीं है, अलग अलग हम, लेकिन एक साथ इसको ए और बी को अगर हम 5 दिन तक काम करा लें, तो भाई बी का कितने दिन का काम रह गया, बी का 2 दिन का काम रह गया है, तो बी और सी को करा लेते हैं भाई, कितना 2 दिन, अब बचेगा सी का 11 दिन का काम रह जाएगा भाई। तो यानी कि ए और बी का 5 × 4 और बी और सी का कितना आ जाएगा, बी और सी का 3 × 2, तो यानी कि अब आपका यहाँ से ध्यान से देखिए, 20 काम और कितना 6, तो यानी कि 26 काम इन लोगों ने क्या कर लिया भाई। अब आपका 11 दिन का सी का काम बचा है, 11 दिन का सी का, अब आपको देखो कि काम कितना बचा है, 48 में से 26 घटाओगे तो कितना आएगा, 22 आएगा। अब 22 काम को ही सी, यहाँ से देखिए भाई कितने दिन का, 11 दिन का, तो यानी कि सी का 11 दिन का बचा है, यहाँ से डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 2, यानी कि 22 काम 11 दिन में सी कर रहा था, इसकी कार्य क्षमता वर्क इफिशियंसी किसकी, सी की आ गई 2। जब सी की, ध्यान से देखिए यहाँ पर बी ए बी का कितना है 4 है, बी और सी का कितना है 3 है, तो सी का अकेले 2 आ गया, तो बी का कितना आ गया भाई 1 आ गया, तो ए का कितना आ गया भाई, बी का जब 1 आ गया तो इसका कितना हो गया, 3 हो गया। अब आपसे किसी का भी पूछे, ठीक है, चाहे तो ए का पूछ सकता है, चाहे तो बी का पूछ सकता है, चाहे तो सी का, सी, अब देखिए सी का, यानी कि सी का अगर पूछेगा तो 48/2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 24। अगर मैं बात करूं कि ए अकेले कितने दिन में करेगा, तो यानी कि 48/2 आपको क्या करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा, तो यानी कि कितना हो जाएगा, 16। अगर मैं बात करूं बी कितने दिन में करेगा, तो 48/1 यानी कि 48 दिन में करेगा, तो यानी कि मैं यहाँ पर सी लिया हूँ, आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो बात समझ में आई कि सी की इफिशियंसी कैसे निकली, और सी के साथ सी का देखिए यहाँ से आई, फिर उसके बाद हम लोगों ने बी का निकाला, फिर उसके बाद ए का निकाला, समझ में आ गया। चलिए इसी टाइप का हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, ए और बी तथा बी और सी किसी काम को क्रमशः 12 दिन तथा 6 / 2/3 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि ए इसे 3 दिन, बी 4 दिन तथा सी 7 दिन में इसे काम करके पूरा किया, तो ए अकेले कितने दिन में पूरा किया। तो मैं आप लोगों को समझाया हूँ कि चाहे तो इस टाइप के क्वेश्चन में चाहे तो ए दे, चाहे तो बी दे, चाहे तो सी, किसी का भी पूछेगा आप लोग आसानी से निकाल लेंगे। तो यानी कि पहला काम वही करते हैं जो हम लोगों ने पीछे सीखा है, तो यानी कि ए और बी कितना हो, इसका कितना दिया है 12 दिन, बी और सी का कितना दिया है 6/2/3, इसको सॉल्व करोगे तो 20/36/18, भिन्न तो सभी लोगों को सॉल्व करने आता होगा, 6/36 + 2 यानी कि 20/3, यानी कि 20 बी और सी किसी कार्य को कितने दिन में, 3 दिन में। अच्छा चलो भाई एलसीएम लेते हैं। अब देखिए इसके पहले सारे क्वेश्चन क्या थे, यानी कि यूनिट यानी कि डिजिट था, कोई अंक था 12, 16, 15, 20। अब देखिए कि यहाँ पर 12 है और यहाँ पर क्या है, फ्रैक्शन है 12/3, तो यानी कि 20 का और 12 का सभी लोग, मैं तो मान के चल रहा हूँ सभी बच्चों को आता होगा, नहीं आता है तो देखिए मैं बता रहा हूँ, सीख लीजिए। तो यानी कि जब एलसीएम लेते हैं, तो यानी कि जिसका अगर भिन्न का एलसीएम लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ पर, ये भी तो एक भिन्न ही है। तो यानी कि जब एलसीएम लेते हैं तो न्यूमरेटर का यानी कि अंश का एलसीएम लेते हैं और हर का क्या डिनोमिनेटर का एचसीएफ लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, एलसीएम आपका 60 आ जाएगा और एचसीएफ 1 आ जाएगा, यानी कि इसका एलसीएम जो होगा वो कितना आ गया 60। एलसीएम सीख लिए होंगे आप लोग कैसे निकालना है,
यानी कि भिन्न का एलसीएम निकालते समय ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ, अगर इसी का भिन्न का एचसीएफ निकालना होगा तो ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम। तो चलिए भाई एलसीएम वाला काम खत्म हो गया, हमारा एलसीएम कितना आ गया 60 आ गया। तो यानी कि 12 ए और बी 12 दिन में कर रहे हैं, 60 काम है, यानी कि इनकी एक दिन की जो कार्य क्षमता है वो कितना हो गया 5 हो गया, और इसकी 20 तिहाई 60 और 3 9, यानी कि इसकी जो कार्य क्षमता है वो कितनी आ गई 9 हो गई। अब देखो भाई ए और बी की कार्य क्षमता कितनी है 5 है, बी और सी की कार्य क्षमता कितनी है 9 है। तो चलिए एलसीएम वाला चीज़ें आप लोगों ने देख लिया होगा, तो एलसीएम वाली चीज़ें मैं मिटाता हूँ, ठीक है। तो एलसीएम वाला मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, एलसीएम वाले मिटा रहे हैं, फिर आगे हम लोग समझाएंगे कि आपको ये वाले क्वेश्चन उसी के जैसे कैसे करना है, ठीक है, ठीक है। चलिए एलसीएम वाला पोर्शन हम लोगों ने क्या कर दिया, मिटा दिया। चलिए अब सॉल्व करते हैं उसी के जैसे क्वेश्चन को कि भाई अब आपका क्या करना है पेन सर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, यानी कि ए कितने दिन में कर रहा है भाई, ए 3 दिन कर रहा है, और उसी काम को बी 4 दिन किया और सी 7 दिन तक किया। इन्होंने ये अकेले 3 दिन, ये अकेले 4 दिन और ये 7 दिन को करके इन लोगों ने क्या कर दिया, काम को ख़त्म कर दिया। अब चलिए देखते हैं भाई, अगर ए का मैंने आप लोग पिछले क्वेश्चन बताया, अगर ए का इंडिविजुअल इफिशियंसी मालूम होती तो हम यहाँ पर वैल्यू रख देते और आपका आंसर तक पहुँच जाते, लेकिन अब आपका ए का तो नहीं मालूम है लेकिन ए और बी का एक साथ मालूम है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर बी 4 दिन है तो आपको क्या करना है, ए और बी को एक साथ अगर मैं 3 दिन तक काम करा लेता हूँ तो बी और सी, बी का कितना एक दिन का काम बचा है तो मैं सी को एक दिन करा लूँगा, बी और सी को, तो सी का कितना दिन का, सी का जो होगा वो 6 दिन का काम रह जाएगा। यानी कि ए और बी का 3 दिन का काम, यानी कि 5 × 3 कितना हो जाएगा 15, और बी और सी का कितना 9 इफिशियंसी से, यानी कि 9 आप जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 24, यानी कि 24 काम क्या कर दिया इन लोगों ने, कर दिया, ख़त्म कर दिया। अब बचा कितना, तो इसमें से घटा लीजिए आपका 60 में से कितना 24, तो कितना आ गया आपका 6 यहाँ से 3। अब देखिए 36 यूनिट काम बच गया भाई, अब 36 यूनिट को सी कितने दिन में कर रहा है, देखिए यहाँ पर देखिए कितने दिन का काम बचा है इसका, 6 दिन का काम बचा है, यानी कि 6 दिन से डिवाइड करोगे तो 6 आ जाएगा, यानी कि 36 काम को 6 दिन में कर रहा है, यानी कि जो सी की इफिशियंसी है भाई, सी की जो क्षमता है वो क्या है 6 यूनिट। अब देखो ध्यान से, सी की इफिशियंसी कितनी है 6, तो बी की कितनी आ जाएगी 3, तो बी की जब 3 है तो ए की कितनी आ जाएगी 2। अब देखिए अब आपको अलग अलग इफिशियंसी निकल गई, तो यानी कि इसका 2 आ गया, बी का 3 आ गया और सी का 6 आ गया। अब आपसे चाहे जिसका भी किसी का भी क्वेश्चन आपसे पूछे तो आप कर सकते हैं, यानी कि अब पूछा है ए, तो यानी कि ए का इफिशियंसी कितना निकाले आप लोगों ने, 2 निकाला है, यानी कितने दिन में ख़त्म करेगा 30 दिन में, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 दिन। अगर मैं बात करूँ बी का तो 60/2 कितना निकाले हैं भाई 3, यानी कि कितना आ जाएगा 20 दिन। आपने अगर सी का निकालना होगा भाई 60/6 तो कितना आ जाएगा 10 दिन। तो आपका चाहे जो भी क्वेश्चन, इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलिए हम लोगों ने आज बेसिक चीज़ें कुछ ए प्लस बी कैसे छोड़ने वाला है, कैसे पहले छोड़ रहा था, कैसे बाद में छोड़ रहा था, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने सीखा है। तो देखिए इसके पहले हम लोगों ने जो सीखा था उसमें क्या था, कंबाइंड तीनों, जैसे देखिए यहाँ पर ये बी दिया, बी सी दिया और सी और ये दिया था, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें मिसिंग करके आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, एक एक करके सारी चीज़ें सीखा, और आने अगली
अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जैसे काम क्या होता है कि कोई पहले छोड़ देता है, बी काम ख़त्म होने से पहले छोड़ दिया और ये काम ख़त्म होने के बाद छोड़ रहा है, इस टाइप सारे क्वेश्चन हम लोगों ने अगले वीडियो में यानी कि कल हम लोग करेंगे। तो ये आप लोग देखेंगे, ऐसा नहीं कि वीडियो केवल आपको लेके हाथ में देखना है, आपको क्या करना है पेन और कॉपी लेके बैठना है, वीडियो को देखते रहना, समझते रहना। देखिए ये क्वेश्चन जो मैं लिया हूँ वो आपके बिल्कुल प्रीवियस ईयर से आपके आए हुए क्वेश्चन, यानी कि जो वन बाई वन सारे कॉन्सेप्ट आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करें, उस सारे टाइप के क्वेश्चन मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग इसको समझेंगे। देखिए एक टाइप के क्वेश्चन मैं 2 से 3 क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप लोगों को क्या करना है इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपके पास जो भी बुक होगी प्रैक्टिस सेट उसको क्या करना है आपको इस पर प्रैक्टिस करना है, यानी कि इस टाइप का जो क्वेश्चन सर बता रहे हैं उस टाइप का क्वेश्चन हमारे पास और है, उसको सॉल्व कैसे करें। अगर जो भी क्वेश्चन में आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग कमेंट मेरे फेसबुक पेज पर भी कमेंट कर सकते हैं, इस वीडियो के लास्ट में भी कमेंट करके बता सकते हैं कि मुझे इस टाइप के क्वेश्चन। अभी देखिए आपका टाइम नेटवर्क की सीरीज चल रही है तो मैं आपको सारे टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, आपका कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, A to Z आपका सब कुछ कराया जाएगा। तो आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों को सब्सक्राइब शेयर लाइक कमेंट करना ना भूलें। बाकी आज के लिए इतना ही, बाकी अगले वीडियो में हम लोग कल बात करते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही।